नमस्कार, फिर एक बार नाभि को लेकर चर्चा करेंगे। हल्का हल्का पेट में दर्द रहता है और परमानेंट रहता है। आप परेशान हैं, खाना नहीं खा पा रहे, पेट फूल रहा है, एसिड बन रहा है। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ देते हैं, उनके अंदर ताकत नहीं रहती, एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाती है, सोलर प्लेक्सस हमारा वो प्रॉपर एनर्जी हमें देता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों पैरों पे, एंकल पे दो पॉइंट बताऊंगा, जो फुल पेट में, पूरे पेट में जो दर्द है, गैस, एसिडिटी या हमारी अंतड़ियाँ श्रिंक जिसे बोलते हैं, एकदम चिपक गई हैं, एक्टिवेट नहीं है, आपकी भाषा में आपको समझना चाहिए। इस प्रकार ये हमारे पास, क्या नाम है आपका? ब्रजेश यादव। ब्रजेश यादव, देखिए इनका मैं बताऊंगा कि इनके पेट में कहाँ प्रॉब्लम है, आप पूरा देखिए। पूरे दुनिया में आप चले जाइए, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। एलोपैथी वाले नाभि को मानते ही नहीं है, डॉक्टर्स नाभि को नहीं मानते। वो आपको कहेंगे आप साइकेटिक के पास जाइए, वो आपको बोलेंगे आप साइकेटिक के पास जाइए, वो आपको पागल करार दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, नाभि है, नाभि के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नाभि डिस्प्लेसमेंट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक, इसी में से एक व्यक्ति है जिनको मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। आप देखेंगे क्योंकि ये नाभि है और नाभि के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसे टच कर रहा हूँ खाली। अगर मैं ऐसे इनको जोर से दबाऊंगा तो इनको बहुत ज्यादा दर्द होगा। कितना दर्द रहता है आपको यहाँ? काफी जोर से बोलिए। पेट पर क्या महसूस करते हैं? चौबीसों घंटा दर्द रहता है। और क्या मतलब फील करते हैं, पूरा बताइए। खाना हजम नहीं होता, सही खाना हजम नहीं हो रहा, पूरे परमानेंट दर्द रहता है, पेट फूला रहता है, पेट फूला रहता है, वीकनेस रहती है, पूरी वीकनेस रहती है, सांस फूलती है, सीढ़ियां नहीं चल सकते। और इसके अलावा कहने का मतलब है कि ये देखिए हम किस प्रकार इनका पेट चेक करेंगे। यहाँ भी दर्द है, ये भी दर्द है, ये भी दर्द है, ये भी दर्द है, ये भी दर्द है, यहाँ कुछ ज़्यादा है क्या? ये दर्द है, सारे में दर्द है, पूरा पेट, खासकर ये और ये, इन दो पोर्शनों पे तो बहुत ज़्यादा दर्द है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, नाभि का और नाभि का ये वाला पोर्शन, मतलब नाभि के चारों तरफ, तीन पॉइंटों पे। अभी इसको दो पॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त है, मैं वो बताऊँगा। इनको खड़ा करना है, इधर लाइए। खड़ा करने के बाद में क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इनके, ये वाले उनको प्रेस करना है खड़े होके। ठीक है, आप इधर आके खड़े होइए। इस प्रकार खड़ा करना है, इधर देखिए पंजे, आप देखिएगा तो पंजे जो है, पास से मैं से दिखाइए, पंजे ऐसे मिलेंगे इस तरीके से, एड़ी ऐसे खोलेंगे, हम इस तरीके से खड़ा होना है, इस तरीके से। ठीक है, मैं भी दे रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपने पंजे मिलाइए। ये आपको बता रहे हैं, ठीक है, कैसे मिलाने के बाद में, और ध्यान से देखिए नीचे से, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको ऐसे ऐसे टाइट, ठीक है, ऐसे ऐसे घिसना है, दर्द है कितना? बहुत ज्यादा हैवी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा, मतलब स्किन को छील दो, बहुत ज्यादा हैवी दो, सामने वाला सहन करेंगे, इनको काफी दर्द होगा इस पोर्शन में। ऐसे करके हम हल्का से इसको ऐसे करेंगे, इनको इसका मतलब यहाँ भी अच्छा खासा दर्द है। ढीला छोड़ दी, बॉडी ढीली छोड़ो, उससे लगाइए, ठीक है, स्थिति आप साफ देख लीजिएगा। इसको इस तरीके से हम करेंगे 20-30 बारी, ज़्यादा नहीं, जितना ही सहन करें उतना ही देना, थोड़ा सा दे सकते हैं इस तरीके से, दोनों को एक साथ देना है। दर्द कितना है? अच्छा खासा, इसका मतलब इनको पेट में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये पेट को कंप्लीट मतलब काफी कंट्रोल करेगा इनको, दर्द को, गैस को,
बस। इस प्रकार क्या करना है, वो ऐसे प्रेशर देंगे, ऐसे 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 पूरा। वो प्रेशर देने से इनका पेट जो है ये सारा एक्टिवेट होगा, ये वाला पूरा पेट। आप इस प्रकार इसको करेंगे, पेट को काफी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी आप ये ठीक नहीं हो पा रहे, या कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, कोई बेटर नहीं हो रहा, तो आप हमारे पास आइए। बहुत सारे तरीके हैं नाभि को ठीक करने के, किसी भी प्रकार की हो। नमस्कार।